वेलकम टू होममेड रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन और ओट्स का चीला। हमने पहले एक बाउल बेसन के ले ली है और प्याज 4-5 प्याज काट लिए हैं हमने और 2 टमाटर लिए हैं उनको भी चॉप कर लिए और एक शिमला मिर्च और हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं और हाफ हमने खीरा लिया है और हमने ओट्स को पहले ही दूध में भिगो कर रखा हुआ है और 2 एग लिए हैं। एग हम डालना तो डाल भी सकते हैं नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम एक बड़ा बाउल लेंगे उसमें बेसन डालेंगे और सभी जो चॉप किया है सामान उनको डाल देंगे। प्याज टमाटर हरी मिर्च और शिमला मिर्च और खीरा और जो हमने ओट्स भिगो कर रखे थे वो भी डाल देंगे। और एग डाल देंगे और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी आपको पसंद है, तेज़ और कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। और जीरा 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच हम सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। एक बार नहीं पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। बस ऐसा ही बैटर बनाना है। हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है और अब हम एक तवा लेंगे, लोहे के तवे पर भी बन जाएंगे और नॉनस्टिक पर बनाना है तो नॉनस्टिक पर भी बना सकते हैं। हमने लोहे का तवा लिया है और इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पहले और अब हम थोड़ा थोड़ा कर बैटर डाल देंगे तवे के ऊपर और गैस का फ्लेम पहले मीडियम रखना है और ऐसे थोड़ा थोड़ा डालकर चला देंगे। हमें जितना बड़ा चाहिए हम बना सकते हैं, छोटा चाहिए छोटा बना सकते हैं, बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं। हमने 4-5 स्पून डाल दिए हैं और अब इसको अच्छी तरह फैला देंगे। और साइडों में भी थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देंगे और एक तरफ से ये अच्छी तरह सिक गया है। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही पकाएंगे। इसको प्रेस करेंगे तो जो सब्जी है वो भी अच्छी तरह पक जाएगी और दोनों साइड से अच्छी तरह पका लेना है और एक साइड दोनों साइड आपको घी लगाना है तो लगा सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और चीला बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही हेल्थी चीला बना है और ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं और स्नैक्स में भी आप ले सकते हैं शाम को और ये बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।